का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक टेक्निकल। सो आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं रक्षाबंधन स्पेशल पे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है VN। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमको जो फ़ोटो है हमारा, जो फ़ोटो वीडियो में एडिट करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमको इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको ओरिजिनल पे क्लिक करना है। ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद हमको साइज चूज़ कर लेना है, तो 9.16 का साइज ले लेते हैं हम। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमको जूम आउट कर देना है इसको कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमको ऐसे ही सब देख लेना है, तो हमारा सब ठीक ही है। ये लास्ट वाला हमको डिलीट कर देना है इसको, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन पर डिलीट हो जाएगा। सो हमारा कुछ इस तरह से है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे जो प्लस दिख रहा है आपको, इस पर लाना है। इस पर लाने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर जो जूम इन है इस पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स जूम इन पे क्लिक करेंगे और ड्यूरेशन जो है हमारा 2 सेकेंड का कर देंगे। तो 2 सेकेंड के करने के बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई टू ऑल, तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे और हमारा सब पे अप्लाई हो जाएगा ये इफ़ेक्ट। सो हमारा कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑप्शन हमारा दिखेगा यहाँ पर जूम का, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जूम आउट वाले पे क्लिक कर देंगे हम और इसको भी अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे। इसको करने के बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर एक इमेज लाना है ब्लैक शेडो वाला, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हम यूज कर रहे हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो उसको ऐड करने के लिए इस वाले पे क्लिक करेंगे और इस पर उसके बाद हम उसको ले लेंगे। तो लेने के बाद कुछ इस तरह का है और हमको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देना है, अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। उसके बाद इसका जो लेंथ है इसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर टेम्पलेट ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर भी और टेम्पलेट को ले लेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेम्पलेट को लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर एक लाइट इफ़ेक्ट ऐड करना है, तो लाइट इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इस पर लाइट इफ़ेक्ट भी हम ले लेंगे। लाइट इफ़ेक्ट ले लिए, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाइट इफ़ेक्ट लेने के बाद फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर स्क्रीन इस पर कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर देंगे। लाइट इफ़ेक्ट ऐड करने के बाद अब हमको यहाँ पर एक वाइट कलर का बॉर्डर लगा देना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ऐड करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर और उसको भी हम ले लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ले लिया है वाइट बॉर्डर, अब इसको हमको कुछ इस तरह से कर देना है। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद अब हमको इसका लेंथ जो है बड़ा कर देना है, तो इसका लेंथ हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर वीडियो तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं प्ले करके। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। सो फ्रेंड्स आप देख लिए होंगे कुछ हमारा इस तरह का वीडियो एडिटिंग हो चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। सो
आप भी ऐसे ही वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर गैलरी में इसको सेव करना है, तो उसके लिए हमको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप क्वालिटी जो है उसको हाई लो कर सकते हैं, मीडियम में भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं।